भाजपा 400 पार, 4 जून को आप देखिएगा सारी पार्टी हवा में उड़ जाएगी। राहुल गांधी कह रहे 150 की औकात नहीं है, 150 सीटें जितने की हैसियत नहीं। वो अपनी औकात देखे, पिछली बार 50 सीट थी, इस बार हो ना सके 20-25 सीटों पे समेट जाए बस। विपक्ष भाजपा का मंशा यही है कि विपक्ष को खत्म कर दो देश में, चाइना की तरह यहाँ पर रूल का मंशा नहीं है, ये मंशा देश की जनता की है। आप एक महिला है, आप क्या सोचते हैं जब 1 लाख रुपए देने की बात? 1 लाख पे जूते मारते हैं हम, जूते मारते हैं जी हाँ, ठोकर मारते हैं 1 लाख पे। 1 लाख पे आप प्रति वर्ष 1 लाख की बात कर रहे हो? अरे भाड़ में क्या, 5 साल में 5 लाख रुपए देंगे? अरे हमारी जब बेटियां बचेंगी तब तो हम 5 लाख रुपए का कुछ करेंगे, क्या बकवास बात है। इस बार का लोकसभा चुनाव और मातृशक्ति की जहाँ तक बात है, 2014 से पहले आपको कहीं मातृशक्ति दिखती थी, महिलाओं की बात कोई करता था? जब से हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में आए तब से मातृशक्ति पे बात होने लगी, काम भी होने लगा, महिला सशक्तिकरण हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सारा काम महिलाओं पे हुआ 2014 के बाद। देश पे 60 साल राज कांग्रेस ने किया, कभी एक बार एक काम भी महिलाओं के विकास के लिए किया? सबसे बड़ा काम मोदी जी ने 2014 में किया कि गाँव में आप जाइए तो बहन बेटियाँ जो खुले खेत में शौच करने जाती थी उनके लिए इज्जत घर बनाया, इतना बड़ा सम्मान मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को दिया। तो इसलिए मातृशक्ति के बाद वो लोग गठबंधन जो है ना, वो गठबंधन नहीं है, वो ठग बंधन है। राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, जब से योगी सरकार आई है, देश में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है, तानाशाही आ गई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तमाम ये आरोप लगाते हैं। नहीं तो ये आरोप उनका सरासर गलत है। जब से मोदी सरकार आई है ना तो महंगाई बढ़ी है ना बेरोजगारी बढ़ी है। आप पढ़े लिखे हो तो रोजगार आज के डेट में भी है मोदी सरकार में, जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा? और उन्होंने कितना रोजगार दिया, 60 साल देश पे राज किया उसके बाद उन्होंने कितना रोजगार दिया? पर अभी तो 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, कह रहे गरीबी एक झटके में खत्म कर देंगे। हाँ वो अभी तक 60 साल राज किए तो क्यों नहीं खत्म किए? प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी मंच से कहते थे कि हम 1 रुपया केंद्र सरकार से भेजते हैं तो 90 पैसा रास्ते में रह जाता, 10 पैसा जनता के पास पहुंचता है। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 के 1 रुपया लोगों के अकाउंट में जनता के पास पहुंचती है। ठीक है माता जी, क्या लगता है आपको जब ये राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए देंगे तो माता बहन उनकी तरफ जाएगी ना? इतने दिन उनकी सरकार रही कभी ऐसा हुआ था? इतने दिन उनकी सरकार रही कभी ऐसा किया था उन्होंने? तो फिर हमारे मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया, बहुत योजनाएं दी। पर अभी वो कह रहे हैं कि हम जो है गरीबी खत्म कर देंगे एक झटके में, राहुल गांधी कह रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। अच्छा क्या लगता है आपको जब हम 24 के चुनाव की बात करते, लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, कह रहा है तानाशाही है, मोदी अगर जीत गए 24 में उसके बाद चुनाव खत्म कर देंगे, तानाशाही आ जाएगी, लोकतंत्र नहीं रहेगा? ये सरासर झूठी बातें हैं जो अफवाहें जनता के बीच ये लोग फैला रहे हैं। 4 जून को आपके सामने आएगा 400 पार, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इनकी बात हवा में उड़ जाएगी, हवा हवाई बातें ये लोग करते हैं। आग लग जाएगी अगर मोदी दोबारा जीत के आ गए तो, आग लग जाएगी राहुल। अरे देश हमारा आगे जा रहा, हिंदुस्तान हमारा इतना आगे जा रहा है कि देश तो छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में डंका मोदी जी की बज रही है। ये अमेठी राहुल गांधी छोड़ के क्यों भागे, क्या लगता है? वही तो कह रहे हैं कि डरपोक थे, अमेठी छोड़ दिए, रायबरेली बिहार जाएंगे। हमारी शेरनी कह तो रही है बार बार, आ जाओ काहे नहीं जा गए? शेरनी स्मृति ईरानी जी शेर के तरह दहार रही है कि आ जाओ लड़ो हमारे सामने, जीत के दिखाओ। राहुल गांधी बोले हैं ना कि हम तो रायबरेली में जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं। हाँ तो जिम्मेदारी निभाए और निभा के 4 जून के बाद सब लोग घर में बैठ जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे विपक्ष पूरा, हवा में उड़ जाएंगे। झूठ है पूरा, गठबंधन बना के उखाड़ के फेंक देंगे मोदी। गठबंधन नहीं, वो ठग बंधन है, ठगों का बंधन है, वो गठबंधन नहीं है। बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं सारे मिलके, दावा करने दीजिए, दावा किया उन्होंने 60 साल में क्या दिया देश को? बेरोजगारी दिया, महंगाई दिया, महिलाओं के ऊपर इतनी हत्या। इस उत्तर प्रदेश में आप खड़े हो, इस उत्तर प्रदेश में हम लोग 7 बजे बाद बाहर नहीं निकलते थे, अखिलेश की सरकार थी। अगर आप बाहर निकले 8 बजे बाहर निकले, गले का चेन छीन लिया गया, जेवर छीन लिया गया, इतना अत्याचार बलात्कार सब 2017 में जब हमारी सरकार आई है डबल इंजन का, तब से हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छा सरकार चल रही है, सारी माँ बहनें बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए विपक्ष को दिखाई दे रहा है कि 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री के सिवा इस देश में कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है, ना देखना चाहता है। कि भाजपा करी 400 सीटें लेके आती है या फिर जो दावा कर रही है संविधान को बदलने की मंशा है मोदी की, इस तरीके का आरोप लगा रहे राहुल और पूरे के पूरे। अगर संविधान बदलना होता आप समझो तो हमारी सरकार डबल
10 साल की हो गई, तो मोदी जी इंडिपेंडेंट 10 साल से थे। अगर संविधान बदलना होता तो 10 साल में नहीं बदले होते। ये झूठी बातें हैं, झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। कह रहे देश में नफरत का माहौल पैदा कर दिया मोदी ने, ये अड़ानी अंबानी एक देश बना दिया है और एक गरीबों का देश बना दिया है, और मोदी शहंशाह है जो केवल महलों में रहते हैं, अड़ानी अंबानी का गुण गाते हैं। अच्छा ये क्या करते थे भैया, ये क्या करते थे 2014 से पहले? इनसे पूछिए कि देश में जाना नहीं चाहते थे, विदेश जाते, मनमोहन सिंह जी का मुंह नहीं खुलता था। हमारे देश का शेर अगर प्रधानमंत्री बना है तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है। ये मिर्ची 2024 में एकदम समाप्त हो जाएगी। अब शेर मोदी जी को कह रहे हैं, राहुल गांधी अपने आप को बब्बर शेर कहते हैं, प्रियंका वाड्रा कहती है भैया बब्बर शेर। नहीं, कहाँ से बब्बर शेर है वो, जो आदमी अपना लोकसभा सीट नहीं लड़ सकता वो कहाँ से बब्बर शेर हो जाएगा। वो कह रहे इस बार तो देखिए इतना पैदल चले हैं, यात्रा करी है, इसका फल मिलेगा, और कह रहे भाजपा साफ होने सब दिखावा है। भाजपा 400 पार, 4 जून को आप देखिएगा सारी पार्टी हवा में उड़ जाएगी। राहुल गांधी कह रहे 150 की औकात नहीं है, 150 सीटें जितने की ऐसे नहीं। वो अपनी औकात देखे, पिछली बार 50 सीट थी, इस बार हो ना सके 20-25 सीटों पे समेट जाए बस। विपक्ष भाजपा का मंशा यही है कि विपक्ष को खत्म कर दो देश में, चाइना की तरह यहाँ पर रूल का मंशा नहीं है। ये मंशा देश की जनता की है, भाजपा जनता की है, भाजपा की नहीं है। ईवीएम हैक का भी आरोप लगता रहता है, क्या है ईवीएम हैक का भी आरोप लगता है भाजपा पे? कह तो रहे 4 जून के बाद जब जनता उनको नकार देगी तब उनके पास रोने को बचेगा क्या? ईवीएम जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम में क्या हो जाता है? अच्छा क्या नाम है आपका? मीना महेश्वरी। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है 24 का चुनाव है, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या माहौल होगा? राहुल गांधी रायबरेली आ गए हैं, कह रहे जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं। जिम्मेदारी के लिए नहीं आए हैं, वो माहौल देखने आए, वो माहौल देखे भाग जाएंगे। भाग जाएंगे बिल्कुल। तो नामांकन में बड़ी भीड़ आई थी, मोदी घबरा गया है, डर गया है, ऐसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, बातें करने से कुछ नहीं होता है, जो सामने दिख रहा है वही है। अरे भाई बहन की जोड़ी कुछ कमाल कर पाएगी या नहीं? कुछ भी कमाल नहीं कर पाई, कमाल के लिए काम करना पड़ता है, व्यक्तित्व बनाना पड़ता है। मोदी जी के व्यक्तित्व के आगे राहुल गांधी प्रियंका गांधी का कोई व्यक्तित्व नहीं है। बात बताइए उत्तर प्रदेश की, जब हम बात करते हैं भाई, तो उत्तर प्रदेश में राहुल अखिलेश की जोड़ी की बात होती है, कह रहे यूपी के दो लड़के हैं मोदी योगी में भारी पड़ जाएंगे। जी नहीं, यूपी में तो हमारे योगी जी बहुत भारी हैं, उनके लिए सवाल ही नहीं उठता। मोदी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो पहले योगी जी से ही कर लें। अच्छा, यहाँ पे मुकाबला नहीं है, कुछ भी कोई मुकाबला नहीं है, कोई टक्कर में नहीं। महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए देने की बात करते हैं राहुल गांधी, ये तो अच्छी बात है ना, 1 लाख रुपए ले लीजिए। ये लालच क्यों दे रहे हैं भाई, क्यों लालच दे रहे हैं, इतने सालों से क्यों नहीं कुछ किया? गरीबी खत्म करने की बात कर रहे हैं एक झटके में। हमारी सरकार महिलाओं को पढ़ाने की लिखा रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही, जब तक हमारी हम लोग की महिलाएं एजुकेटेड नहीं होंगी, अच्छी तरह से सामना नहीं करेंगी, तो ये इनके बहाने बकवासी बातें सुनते रहेंगे। बकवास बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बकवास बातें कर रहे हैं। मोदी जी की बातों पे हंसी आती है हमें, उनकी बातें जो होती है इनमें कोई बेसिर पैर की बातें करते हैं मोदी जी, केवल अडानी अंबानी की तारीफ करते हैं अपनी बातों में, उन्हें फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। ये राहुल वो महिलाओं को लालच क्या दे रहे हैं, 1-1 लाख रुपए देंगे, क्या महिलाएं बिकाऊ हैं क्या? कह रहे ना कि हम गरीबी हटाएंगे, इसके लिए हम तो क्यों लेंगे? कुछ भी गरीबी नहीं हटाएंगे वो लोग। आप एक महिला है, आप क्या सोचते हैं जब 1-1 लाख रुपए देने की बात करते हैं? 1 लाख पे जूते मारते हैं हम, जूते मारते हैं। जी हाँ, ठोकर मारते हैं 1 लाख पे। 1 लाख पे आप प्रति वर्ष 1 लाख की बात कर रहे हैं वो? अरे भाड़ में क्या, 5 साल में 5 लाख रुपए देंगे? अरे हमारी जब बेटियां बचेंगी तब तो हम 5 लाख रुपए का कुछ करेंगे, क्या बकवासी बात है? आपके लिए पांच लाख मायने नहीं रख रहा, कुछ भी नहीं। जब बेटी मायने रखती है ना, बच्चे मायने रखते हैं, जब उनका भविष्य ही नहीं कुछ बचेगा, वो बच्चे ही नहीं बचेंगे हमारे ढंग से, तो हम क्या करेंगे 5 लाख रुपए का, 5 करोड़ का क्या? तो कहती है ना कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं तो माता बहनों के लिए ही हूँ। अब राहुल गांधी है, ये भी जनसेवा के लिए आए हैं, मैं भी माता बहनों के लिए पॉलिटिक्स में आई हूँ। वो भी उनकी माता भी आई हैं अब अपनी बेटी के लिए, हमारी पार्टी में तो कोई चले गई नहीं आए, माँ बहनों के लिए नहीं आए, हमारे मोदी जी की तो सारा परिवार है। 400 पार की भाजपा बात करती है, विपक्ष कहता है 400 पार जो है ये केवल जुमला है, 150 सीटें जीतने की हैसियत नहीं है। विपक्ष के पास पप्पू है, हमारे पास मोदी है, इसलिए मैं 400 पार की माँ, हमारी जो पार्टी है, हमारे मोदी जी कर रहे हैं, वो ही हम लोग सफल करके दिखाएंगे, इन पप्पुओं से देश नहीं चलने वाला। गठबंधन है महाराज, 26-26 दल है, एक साथ कर उखाड़ के फेंक देंगे। वो गठबंधन नहीं है, वो ठग बंधन है, उनका ये लक्ष्य है किसी तरीके से सत्ता में आए और जो 70 साल में किया है उसको पुनः वापस हम करें, ये अब होने वाला नहीं है। पर ये जोड़ी है, हम यूपी की बात करें तो राहुल अखिलेश यूपी के दो लड़कों की जोड़ी की चर्चा होती है, कहते हैं ये भारी पड़ेगी।
ये दोनों, वो पप्पू बड़ा है ये छोटा पप्पू, दोनों पप्पू साफ होने वाले हैं, इनका सुपड़ा साफ होगा और हमारे मोदी जी 400 पार होकर के देश और प्रदेश में हमारे मोदी जी और योगी जी मिल करके देश को जय जय श्री राम करेंगे। ये एम वाई फैक्टर जो हम बार बार सुनते हैं, इससे कैसे निपट पाएंगे, क्योंकि कह रहे अखिलेश का ये तो पकड़ है एम वाई फैक्टर में, राहुल गांधी है वहाँ भी वही पकड़ तो रखते हैं कि नहीं मुस्लिम फैक्टर में। ये मुस्लिम को जो धोखा दिए हैं ना आज तक, वो अब उनके काम आने वाला नहीं है, वो मोदी और योगी जी को समझ गया है, एक तरफा वोट आने वाला है और ये पप्पू सब समाप्त होने वाले हैं और देश में जय श्री राम होगा, शांति का वातावरण हो। ये जब ये बार बार हम सुनते हैं 400 पार, तो विपक्ष कहता है कि 400 पार संविधान को बदलने की मंशा है इनकी, 400 पार लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, 400 पार में ही चाहते हैं कि अब की बार चुनाव ही ना हो। देखिए ऐसा है, हम लोग के पास मोदी जी हैं और ये राष्ट्रहित में चल रहे हैं, इसलिए सारी जनता केवल राष्ट्रहित में इनको वोट दे रही है, समझ लीजिए राष्ट्रहित में, बस बस उनको पता है कि राज कल्याण जो है मोदी के हाथ में है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि अड़ानी अंबानी हित है, राष्ट्रहित कहीं नहीं है, ये राष्ट्रहित की अड़ में अड़ानी अंबानी हित कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये वो व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, इसमें उनका कुछ नहीं भला होने वाला है और पूरी तरह से हम लोग 400 पार करेंगे इसको और पूर्ण। हाँ क्या लग रहा है आपको 400 पार होने वाला है? अब हमारी ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस ने राज किया कम से कम से 30-35 साल राज किया, 40 साल करीब, तो आज हमारा हिंदू जागा है और बॉर्डर से लगाकर हम राजधानी रहने वाले हैं, राजनाथ जी के उसमें उनके चुनाव में हैं, तो यहाँ से लेकर बॉर्डर तक का हमारे रक्षा मंत्री जी सुरक्षा कर रहे हैं, लखनऊ पर चारों तरफ बॉर्डर पर काम हो रहे हैं, हर जगह मोदी जी का आज दुल्हा जाता था 10 मिनट, दूसरी पेटकट सरकार थी कांग्रेस की तो ब्रिज रोड पर कम से आधा घंटा 10 मिनट रेल लगती थी, आज मोदी जी के और रक्षा मंत्री जी के संगठन में आज एक सेकंड लगता है और गाड़ी पास हो जाती है, इसके लिए हम धन्यवाद मोदी जी का, योगी जी का देंगे और रक्षा मंत्री जी को देंगे। और ये चाहे पोलिटिकल सरकार हो और चाहे कांग्रेस सरकार हो, राहुल ये लोग जमीने पे जाएं, धरतल पर जाएं, तब भी पार नहीं पाएंगे।